ताये भगवान है। तीन लोग ना पे पगतीनी और तीन के वटसन बिनती कीनी। बोले न बिनती करते तो क्या करते? बोले सी लखन को कर गही लेते और इतने से पाव उतै धरी देते। एक हाथ में सीता कहा, दूसरे में लक्ष्मण के पार हो जाते। कहा सोची मन में अनुमाना मांगी नाव केवट आन। का बात तो ठीक कहते हो लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान विचार करते हैं, ऊपर सूरज तपत करारे और साखी में बाबा लगत हमारे और नारी हाथ किमी गहें गुसाई और दोष दे तो सब लोग लुगाई। यह विचार मन में अनुमाना और बागी नाव लगे। केवट बोला, भगवान हम जो जान गए तुम्हारी चतुराई, तुम कराना चाहते हो मेरे घर में लड़ाई। क्यों? काठ की नाव नारी जो होई तो दुई पत्नी मोरी खुआरी होई। तिनको झगड़ा किमि निपटाव दुई नारी न महति दुख पाव। केवट कहे अब सुनो खरारी और तुम्हारे घर तीनी महाकारी। केवट तीन दशरथ तीन रानी नहीं लौते तो रघुनंदन नहीं बन काय। यह विचार मन में अनुमाना मांगी नावन केवट। तो बहुत किया, कहता बिना पग धोए आपको पार नहीं उतारेंगे। महाराज पद कमल धोई चढ़ाए नाव मैं नाथ उतराई चाहो। आप चरण धुला लें तो भगवान ने उस आग्रही भक्त के भाव को जाना और उसे चरण पखारने का अवसर दिया। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी लई आवा अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। श्यावर रामचंद्र के राम कथा अनंत है। भागवत में दो अध्याय में है, संक्षेप में आगे एक श्लोक में पूर्ण करते हैं। आदौ राम तपो बनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषण बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि राम। वन में रहते हुए सीतारण जटायु को मोक्ष शिबिरी पर कृपा सुग्रीव मैत्री बाली बध सीतान्वीषण लंका दहन सेतु बंध रावण का सकुल विनाश विभीषण को राज्य असली सीता की प्राप्ति और पुष्पकार अयोध्या पुनरागमन। राम राज बैठे त्रैलोका राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भए गए सब सोका हर्षित भए गए सब सोका दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये चौपाइयां सभी लोग नित्य ही पूजा में बोला करो तो आपके क्लेश दूर हो जाएंगे। ये राम राज ये चौपाई पूजा में जोड़ दो। राम राज बैठे त्रैलोका राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भए गए सब शोका हर्षित भए गए सब शोका दैहिक दैविक
भौतिक तापा जैविक जैविक भौतिक तापा राम राज नहीं जाऊं राम राज नहीं जाऊं अल्प मृत्यु नहीं कौन्यु पीरा अल्प मृत्यु नहीं कौन्यु पीरा सब सुंदर सब निरुज शरीर सब सुंदर सब निरुज शरीर और अभी राजा रामचंद्र का राज्य है 11,000 वर्ष भगवान ने राज्य किया है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो। अयोध्या नाथ सीतापति भगवान रामचंद्र भगवान की कथा सुनकर राजा परीक्षित गदगद हो गए नेत्रों में प्रेमाश्रु भाव विवल और महाराज श्री सुखदेव जी से बोले राजन परीक्षित बोले हे ब्रह्मर्षि हे पूजनीय कथितो वंश विस्तारो राजा खुद बोल उठे परीक्षित कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां शोभे वंशानां चरितं परमाद्भुतं। महाराज आपने सूर्य वंश चंद्र वंश की सुंदर कथा सुनाई है, अब आप सुनाइए यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार। यदोश्च धर्मशीलश्च नितरां मुनिषत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य कृष्णो वीर्याणि संशरः। यदुवंश में भगवान कृष्ण का कैसे अवतार हुआ वो सुंदर कथा हमें आप सुनाओ। अवतीर्य दूरवंशम भगवान भूत भावन अवतीर्य दो वंशो भगवान विश्व भावन कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नो वद विस्तरात। भगवान ने यदुवंश में अवतार लेकर जो लीलाएं की हैं उन्हें विस्तार पूर्वक आप सुनाए। श्री परीक्षित जी बोले निवृत्त तरसई कृपगीय माना बभौ सदा श्रोत्र मनोभिराम कबुत्तम श्लोक गुणानुवादात कुमान विरजेत विना पशुनाथ। ये भागवत के श्लोक अमृत हैं, मंत्र हैं। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक है मूल पाठ में। गाना बजाना तो मनोरंजन है, नर्तकी का नृत्य भी तो मनोरंजन है, फिर भागवत क्यों हो? भागवत इसलिए होती कि हमारे पातक नष्ट हो जाएं, हमें भगवत धाम मिले। तो श्लोक मई कथा सुनना है, बिना मंत्र मई श्लोक मई कथा के आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक श्लोक आपको व्यास गद्दी से सुनाएं। अब 18,000 श्लोक हैं तो व्यास गद्दी से इसका दशांश तो होना ही चाहिए और मूल पाठ तो होता ही है। महाराज कहते हैं निवृत्त तरसई रूपगी माना तो, इसलिए ये बड़े ध्यान से एकाग्रता से सुने और इसका अर्थ हम सरल करके सुना ही रहे। निवृत्त तरसई जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, ऐसे परमंशों के द्वारा कहा हुआ भगवान का चरित्र ऐसा कौन होगा जिसे प्यारा नहीं होगा? क्या ऐसा भी कोई है जिसे एक भागवत कथा अच्छी न लगती हो? प्रश्न हुआ परीक्षित द्वारा और उत्तर भी स्वयं कर दिया, कहा वो ऐसे लोग हैं जिन्हें कथा अच्छी नहीं लगती। बोले कैसे? बोले पशुग्न हैं। पशुग्न माने आत्मघाती, अपने को ही मार रहे हैं, वो आत्मा को मार रहे हैं। और इसका अनुवाद रामायण में ते जल जीव निजात्मक घाती जिन्हें रघुपति कथा सुहाती। महाराज श्री परीक्षित जी कहते हैं पिता महामी समरे मरंजयीर देव व्रताद्यातिरिथैतिमिंगल दुरत्ययम् कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरण वत्स पदस्म यत् प्लवः। महाराज हमारे पुरखे पांडव गण कौरवों की सेना के सागर के बीच में फंस गए थे, बीच पितामा जैसे उसमें मगरमच्छ थे और हमारे पुरखों को मारना चाहते थे, लेकिन बड़े बड़े द्रोणाचार्य कर्ण आदि, लेकिन आनंद कंद माधव मुकुंद व्रजचंद्र
घनश्याम श्याम सुंदर बाकी बिहारी नटवर नागर भक्त वत्सल गोविंद की कृपा से हमारे पुरखे कर्मों की सेना सागर को सक्रिय रहो। कर्मों की सेना सागर को ऐसे पार कर गए, इसके लिए बहुत जगाना पड़ता, अन्य व्यवस्थाओं के लिए नहीं जगाना पड़ता। कहीं मोबाइल देखोगे, कहीं वो करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, ध्यानस्थ हो भाई, अपनी उस पर बहुत बहुत पाबंद रहो, चौकस है आनंद। तो कहा वो जिनकी कृपा कटाक्ष से पार हो गए करों की सेना सागर, उन नंदनंदन की कथा हमें सुनाओ। आनंद गंध भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म की कथा हमें सुनाओ। महाराज हमें सुनाइए उनकी कथा जिन्होंने गर्भ में हमारी रक्षा की। गर्भ में परीक्षित तो मरणासन्न हो गए थे, अश्वस्थामा ने चला दिया था ब्रह्मास्त्र, न जाने कैसी स्थिति जीवन में आती है। भगवान ही रक्षा करते हैं, भक्त की रक्षा तो भगवान करते हैं, और भक्त अगर उन भगवान को भूल जाए तो कौन करेगा रक्षा है। महाराज अश्वस्थामा ने चला दिया था ब्रह्मास्त्र और हम गर्भ में ही नष्ट हुए जा रहे थे। द्रोणस्त विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना जुगोप कुक्षिंगतयात चक्रो मातुष्मेय शरणं गता जाह। परीक्षित जी आप बीती सुना रहे हैं। अश्वस्थामा ने चला दिया था ब्रह्मास्त्र और मैं अपनी मैया उत्तरा के गर्भ में मरणासन्न हो गया। उसी समय मेरी मैया उत्तरा भगवान कृष्ण के चरणों में गिरी तो भगवान ने अंगूठे के बराबर चतुर्भुज रूप बनाया और मेरी मैया के उदर में प्रवेश हो गए। ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा की है उन भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु अघटन घटना पटीयसी अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म कृष्ण की पावन कथा में सुनाओ। महाराज रोहिण्या स्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणत्वया देवक्याः गर्भ संबंधम कुतो देहांतरम विना। महाराज हमें वो भी कथा सुनाओ कि शेष नांग जी तो देवकी के गर्भ में आए थे, फिर वो रोहिणी मैया के गर्भ में कैसे चले गए, बिना देहांतर के गर्भांतर कैसे हो गया। ये रहस्यमयी कथा में आप सुनाओ। नैषात दुस्साक्षुणवाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोज अच्युतं हरि कथामृतम्। अरे इस कलयुग के प्रभाव से विकल, प्यास से विकल, भूख से विकल जंगल में मैंने एक तपस्वी ब्राह्मण संत के गले में सर्प डाल दिया था मरा हुआ और साप मिला कि सातवें दिन तक्षक दसेगा। बड़ी कृपा की महाराज सुखदेव जी जो आज आप भागवत में सुना रहे हो, आज चौथा दिन है। अब न हमें प्यास लग रही है न भूख लग रही है। अरे जिसके बिना जीवन कठिन हो जाता है, प्यासे थे क्रोध में हमने महात्मा के गले में सांप पहना दिया। नहीं शायद दुस्साह जो असहनीय है भूख प्यास, असहनीय तो आई तो अब हमें नहीं लग रही। नहीं शायद अति दुस्साह
जो अति दुस्सह है, असहनीय है, भूख प्यास नहीं साध दुस्साक्षणमाम त्यक्तो अदम अभिवादते। अब कोई पानी लेकर आता है पी लो महाराज, तो हमें विघ्न पड़ता है कि हमारी कथा छूट जाएगी, पानी पीने के समय ध्यान बट जाएगा, इसलिए बार बार पानी भी नहीं पीना चाहिए, एक आध बार भले पी लो, बार बार उठना नहीं, बार बार मसाला नहीं खाना, बार बार उठकर घूमना नहीं। कुछ लोग आते हैं घंटा भर बैठते हैं, फिर सोचते हैं चलो अब घर चलें, कथा समाधि लगाकर सुनी जाती है। परीक्षित जी कहते हैं अब जल पीना भी हमें दुष्कर लग रहा, जल पीने का भी मन नहीं होता, हम तो पी रहे हैं महाराज। पिबंतं पन्मुखाम भोज अच्युतम हरि कथा अमृतम, आपके मुख से हरि कथा का अमृत झर रहा है, वही पी गर्म अघा नहीं रहे। मैया पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। अघा नहीं रहे, कथा से जो अघा जाए समझ लो बड़ा अभागा है। राम चरित जे सुनत अघा ही, रस विशेष जाना तिन ना। हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद, व्यास की सब भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्ष कृष्ण चरितम कलिकल मशघनम व्याहरत मारवत भागवत प्रधान। महाराज श्री सुखदेव जी ने जब राजा की प्रार्थना को सुना तो बड़े आनंदित हो गए। धन्य हो, धन्य हो परीक्षित, जो तुमने कथा सुनने का भाव बनाया, धन्य हो, धन्य हो धीरेन्द्र सिंह परीक्षित, तुम धन्य हो जो तुमने कथा सुनने का भाव बनाया। देखिए जो कथा सुनने का भाव बनावे वो धन्य है। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं को तुम समान उपकारी, नहीं को तुम समान छहु रघुपति कथा प्रसंग, पूछो रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, ये कथा गंगा भगवान के मुख से निकली है, वो गंगा भगवान के चरणों से निकली, दोनों गंगा महत्वपूर्ण है, एक चरणों से निकली गंगा और एक गंगा भगवान नारायण के मुख से निकली हुई भागवत गंगा। कथा गंगा है, इसको लाने वाले कराने वाले भी तरते हैं और सुनने वाले भी तरते हैं, कहने वाले भी तरते, तिगुना लाभ देने वाली है। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीणि पुनाति, वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रं तत्पाद शरीरं यथा। गंगा जी की तरह ये कथा है, श्रोता परीक्षित और वक्ता तीनों ही तर जाते हैं, कहां ही सुनहीं अनुमोदन करहीं, जो कथा कहते हैं और सुनते हैं। इन कैसे सुनते हैं, ये नहीं कि माथे फांद धर के सुने, अनुमोदन प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, विवल होते हैं, सर हिलाते हैं,
ये अनुमोदन है, स्वीकारोक्ति कहीं ये नहीं बड़े गुस्सा में बैठे जैसे लड़ाई करके आए। कहीं सुनहीं अनुमोदन करही अते भवनिधि गोपद इव तरहि। महाराज श्री सुखदेव जी बोले, राजन भूमि रुद्र तंद्रप व्याज दैत्यानी के शतायुतै आक्रांता भूरि भारीन ब्रह्मानं शरणं जजो। द्वापर का मध्यांतर आ गया और बड़े बड़े राक्षस राजाओं के रूप में जन्म लेने लगे। जरासंध उत्पन्न हुआ मगध में, रावण कुंभकर्ण के अवतार शिशुपाल और दंतवक्र चंदेरी में हुए, दमघोष नंदन और मथुरा में देवासु संग्राम के समय कालनेमी राक्षस जो भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था वही कंस हुआ। इलवल बलवल स्वाल विदुरत अघासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर धेनुकासुर प्रलंबासुर अनेकानेक हजारों हजारों दसों हजार लाखों करोड़ों राक्षस पैदा हो गया। धरती व्याकुल हो गई, गमों का बध होने लगा, ब्राह्मण संत मारे जाने लगे, पापाचार छा गया, धरती माँ व्याकुल हो गई। मैया ने गाय का विष बनाया। गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणं विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनं समबोचत। गाय का विष बनाया, रोती हुई धरती मैया आज ब्रह्मा की सभा में गई, अपने कष्ट का वर्णन किया। ब्रह्मा तदुपधार्यार्थ सह देवी तया सह जगाम सत्रिनेन स्थिरम यत्र क्षीर पयो निधे। महाराज श्री ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी देवताओं को लेकर के, धरती को लेकर के आज नारायण के पास गए क्षीर सागर। तत्र गत्वा जगन्नाथं देव देवं प्रखा कपिं पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। यजुर्वेद के मंत्रों से, पुरुष सूक्त मंत्रों से नारायण की वंदना की है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलं। जिनके हजारों शिर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों चरण हैं, ऐसे हजारों भुजाओं वाली भगवान को प्रणाम, मेरी रक्षा करो। आज भगवान ने आकाशवाणी की, गिरम समाधव गगने समीरितां निशम्य वेदां त्रिदशान वाचा गाम पौरुषीम मे श्रुणुता मरा पुनर् विधीयता माशु तथैव माचिर। हे देवताओं ऋषियों भय मत करो, ब्रह्मा जी ने समाधि में सुना, भगवान की आकाशवाणी हो रही है। देवताओं ऋषियों सिद्धो धरती ब्रह्मादि सब लोग सुनो, हम यदुवंश में अवतार लेकर भूमि भारण करेंगे। अब विलंब नहीं है, मैं शीघ्र अवतार लूंगा, धरती का भार उतारूंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा पर जनयिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। वसुदेव के घर में अवतार लेंगे और मेरा प्री करने के लिए शेषनाग बनेंगे बलराम अग्रज हमारे, और ये योग माया बनेगी राधा, और देवता जितने गोप ग्वालबाल बने और जितनी देवियां हैं ये गोपी बने। वेदों की ऋचाएं गोपी बनने के लिए प्रस्तुत हो गईं, बड़े बड़े संत गोपी बनने के लिए प्रस्तुत हैं, और मिथिला की नारियां जो राम जी के रूप पर मुग्ध हुई थी, जनक जाते वो लोग कहीं कैसे सजन सगे प्रिय लागे जैसे, वो सब गोपी बनी हैं। भगवान बोले पीछे से हम आएंगे, आप लोग चलें। और बड़े बड़े महात्मा सिद्ध ये सब ब्रज में अवतरित होने लगे। कोई करील का कुंज बन रहा है, कोई कदम्ब का वृक्ष बन रहा है, कोई हिरण बन रहा है, कोई मोर बन रहा है, और आकर ब्रज में सब जन्म लेकर प्रकट हो रहे। लता पता गुल वनस्पति के रूप में बड़े बड़े संत महात्मा देवता सब विराजमान होने लगे। संतों के हृदय में कामना है, हे गोविंद, हे अच्युत, हे मुरारी, ऊपर नित्य रहू लटका अपनी बनमाला का फूल बना ले, लहरें टकराती रहे जिससे वो पावन कालिंदी कूल बना ले।
स्पर्श करेंगे तुम्हारे चरण, वो पावन कदम की मूल बना ले, चरणों में लिपटे रहेंगे सदा। ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना ले, लताओं में ब्रज की गुजारा करें, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हाँ कभी तो मिले तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करें, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, कन्हैया पुकारा करें। महाराज उग्रसेन जो मथुरा नरेश हैं, उनके भाई देवक, देवक की कन्या देवकी, उनका विवाह सूरसेन चंद्रवंशी सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ संपादित हुआ और विदाई हुई। कंस ने सारथी हटा दिया और स्वयं रथ लेकर चला। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, अपनी जिस बहन को तू लिए जा रहा है भेजने, इसका आठवां लाल हो जाएगा तेरा काल। कूद पड़ा तलवार लेकर, देवकी के बाल पकड़े, रथ से खींच लिया, तलवार का प्रहार करने वाला था। वसुदेव जी आए और बोले, आप तो भोज वंश में बड़े यशस्वी हैं, विवाह के अवसर पर अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हो? हे कंस, जिस मृत्यु के भय से तुम देवकी को मार देना चाहते हो, देवकी को मारने के बाद भी तुम्हारी मृत्यु टलेगी नहीं। मृत्युर जन्म बताम वीर देहेन सह जायते अद्य वाप दशतांते वा मृत्युर प्राणिनाम ध्रुव। जिस दिन मनुष्य का जन्म हो जाता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। आज कल या वर्षों बाद मृत्यु तो होनी ही है, कोई बचा नहीं है। देखिए, जैसे तृण जलूका होती है, तृण जलूका तृण वाली जोंक, एक तिनका पकड़कर दूसरा तिनका छोड़ देती है, ऐसे ही ये आत्मा शरीर से निकल जाती है। देही पंचत्वमा पन्ने देही कर्मानुगोवशः देहांतरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपु। आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और कर्मानुसार अनेक योनि में भटकती है। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिलता है। अरे मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए कंस देहाभिमान छोड़ दो। अरे संसार तो सपना है, स्वप्नवत है। स्वप्ने यथा पश्यति देह विदृशम मनोरथे नाभिनिविष्ट चेतनः दृष्टश्रुताभ्याम मनसानुचिंतयन् प्रपद्यते तत्किमपि अपस्मृति। ये सपना है, स्वप्नवत, देह भी सपना राज्य भी सपना, इसलिए देहाभिमान छोड़ दो और कन्या के समान देव की इसको मत मारो। अब बड़ा सुंदर उपदेश है, मानना चाहिए, लेकिन वो मूर्ख है। मूर्ख को उपदेश वो ज्ञान गांठते जाए कोयला श्वेत न होता है
सौ मन साबुन खाए। कंस ने तलवार उठाई, वसुदेव को मारने चला। देवकी बोली मेरा वध करो, वसुदेव बोले मेरा। वसुदेव बोले हे भैया कंस, मैं आपको ये वचन देता हूँ, देवकी का आठवां लाल हम तेरे आगे धर देंगे, आठवां नहीं लोगे तो फिर आठों ही अर्पण कर देंगे। चलो तुम्हारे महल तक छोड़ दें, विश्वास में आ गया, महल तक छोड़ गया। समय बदला, मिया देवकी के पहला लाल हुआ। वसुदेव जी बालक को लेकर के पहुंचे दरबार में। ये देवकी का प्रथम पुत्र है। कंस ने कहा ले जाओ, इससे बैर नहीं हमारा, आठवां हो तब दे जाना। नारद जी ने सोचा वे धार्मिक होने लगे, ऐसा ही धार्मिक रहा तो मारे बड़े दिनों में मरेगा, धर्मेण अन्यते व्याधि, धर्म से बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। नारद जी ने उसको उल्टा पाठ पढ़ाया, देखिए ये कमल का पुष्प है, देखो इसमें कितने दल हैं। कहा महाराज इसमें तो आठ दल हैं। बोले कौन पहला कौन अष्टम? बोले सभी प्रथम सभी अष्टम। बोले ऐसे बालक भी सभी प्रथम है सभी अष्टम, कोई भी मार सकता, सभी का वध करो। ये देवकी, ये वसुदेव, ये नंद उपनंद, ये सब देवता हैं, हम तुम्हारे बड़े मित्र हैं, देवलोक की बात हम तुम्हें बताने आए, ये सब शत्रु हैं तुम्हारे, तुम्हारे मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं, हम तुम्हें छिपी बातें बताने आते हैं, गुप्त हमारी बात मानो, सब बालक मारो। नारद जी चाहते हैं इसका पाप का घड़ा शीघ्रता से भरे। और अब कंस के मस्तिष्क में बात जची, देवकी वसुदेव बालक समेत बुलाया, छीन लिया बालक, समाप्त कर दिया। देवकी वसुदेव को कारागृह में डाला, दूसरे बालक का भी वध किया, तीसरे का भी, चतुर्थ पंचम कष्टम सप्तम, छह बालक मार दिए। अब सातवीं बार स्वयं से स्नान आए हैं, सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्याः हर्ष शोक विवर्धन। देवकी वसुदेव के हर्ष शोक को बढ़ाने वाला सातवां गर्भ आया। आज भगवान ने कहा देवी योग माया तुम ब्रज चली जाओ, और माता देवकी का गर्भ खींच करके माता रोहिणी के उदर में पहुंचा दो। ऐसा कार्य करने पर तुम्हारी स्थान स्थान पर स्थापनाएं होंगी, तुम्हारे नाम होंगे दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माया नारायणी ईशानी शारदा अंबिका जालीपा ज्वाला चंडी मनसा चिंतपूर्णी पूर्णा विंध्यवासिनी आदि नामों से भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे। योग माया ने माता देवकी का गर्भ खींच करके माता रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया, जहां भादों के शुक्ल पक्ष की छठ को महाराज शेषावतार बलराम का रोहिणी मैया के उदर से जन्म हुआ है। बोलिए बलराम भगवान की, प्रेम से बोलो बलदाऊ भैया की। नंद बाबा के यहां उत्सव हुआ, कंस भयभीत हो गया, कारागृह का पहरा बहुत प्रबल करा दिया उसने, और अब नित्य ही कारागृह का निरीक्षण करने जाता है। देवकी के मुख पर प्रकाश देखा तो मारने के लिए चला, मेरे प्राणों का हरण करने वाला हरि लगता आपकी ही बार देवकी के गर्भ में आया है। तो आज परमात्मा की प्रतिध्वनि उसके कानों में टकराई, स्त्रिय स्वसुह गुरुमत्या वधोयम् यशस्श्री भंतम कालमायु। ये तुम्हारी बहन है, गर्भवती है, नारी है, ये तुम इसका वध करोगे तो तुम्हारी आयु कीर्ति सब नष्ट हो जाएगी। इमि कुपंथ पग देत खगेशा रहन तेज बुद्धि बल लवलेशा। कंस ने तलवार फेंक दी। अब भयभीत सर्वत्र भगवान को देख रहा, सर्वत्र भगवान को देख रहा, और अब भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, थोड़ा बढ़ाओ, भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई, और सायं बेला है, 33 कोटि देवता
ब्रह्मा जी, नारद जी, सनत कुमार, ये सब आए हैं भगवान की गर्भ स्तुति करने। ये गर्भ स्तुति भागवत के दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक से प्रारंभ होती है। जो गर्भ स्तुति सुनते हैं, गर्भ गतो न भूयः, वह पुनः गर्भ में नहीं आते, आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आप सुनिए, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे परमात्मा, आपका व्रत सत्य है, आप परम सत्य हैं, त्रिकाल सत्य हैं, भूत भविष्य वर्तमान। जब सृष्टि नहीं थी तब भी आप सत्य, सृष्टि है तब भी आप सत्य, और सृष्टि नहीं होगी तब भी आप ही सत्य हैं। आपका सत्य में निवास है, आप सत्यात्मक हैं। एकायनोशौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरशः पञ्चविधा खटात्मा सप्तत्वगस्तपितपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखगो यादि वृक्षा। यह संसार एक सनातन वृक्ष है, इसके आधार आप। इस संसार रूपी वृक्ष में दो फल लगते हैं, सुख और दुख, द्विफल। तीन जड़ें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। चार रस हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पांच विधाएं हैं, इसके पांच विधाएं हैं। वो कौन पांच विधाएं हैं? काय, चित, जल, पावक, गगन, शमीर। खडात्मा है, जन्म लेना, बढ़ना, पूर्ण होना, स्वभाव है छह इसके। जन्म लेना, बढ़ना, पूर्ण होना, परिवर्तित होना, विकृत होना, नष्ट हो जाना। सप्त धातुओं का ये वृक्ष बना है, शरीर रूपी वृक्ष। कौन कौन धातुएं हैं? रस, रक्त, मांस, मज्जा, वसा, अस्थि, शुक्र। सप्त धातुओं से बना है। अष्टदाइस की प्रकृति है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। अष्टधा प्रकृति है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, मन, बुद्धि, अहंकार। और देखिए, इसमें नव द्वार हैं, दो नेत्र विवर, दो कर्ण विवर, दो नासा विवर, दो कर्ण विवर, दो नासा विवर, दो नेत्र विवर, और मुख और मल विसर्जन के नव द्वार। दस इसमें पत्ते हैं, शरीर वृक्ष में वायु, प्राणवायु, व्यान, उदान, समान, अपान, नांग, कृकल, धनंजय, देवदत्त, कौरव। और इस पर दो पक्षी बैठे हैं, द्विखगः, ईश्वर और जीव, दोनों का निवास है भीतर, जीव ईश्वर। देखिए, जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन है अलग। जब जीव ब्रह्म में मिलता है जाकर के, तो ब्रह्म स्वरूप होता है, फिर अलग होता है, तो जीव रूप में ही अलग होता है। ईश्वर जीव दो बैठे हैं भीतर, ईश्वर का अंश ही जीव है, ईश्वरंश जीव अविनाशी। और एक फल खा रहा है, एक देख रहा है। खाने वाला कौन है? जीव। और देखने वाला कौन है? ब्रह्म, ब्रह्म साक्षी। जीव फल खा रहा है, उसको फल भोगना पड़ता है, ब्रह्म साक्षी है, देख रहा है ये क्या खा रहा है, क्या कर रहा है। तमेक एवास सतम प्रसूति ही तम सन्निधानम तमनुग्रहस्य, आप ही भगवान जीव पर कृपा करने वाले हैं। हे नारायण, तथा नते माधव ताव का क्वचित पृश्यन्ति मार्गास्त्वयि बद्ध सुव्रता त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। तथानते, बड़ा सुंदर श्लोक, तथानते माधव तावका क्वचित। हे माधव, जो तुम्हारे जन हैं वो कभी भ्रष्ट नहीं होते,
वो मार्ग भ्रष्ट नहीं होते। तथा नते माधव ताव का क्वचित, जिन्होंने तुम्हें अपना बनाया कि मेरे तो कृष्ण हैं, मेरे तो कृष्ण हैं, तुमसे ही नाता जोड़ लिया है। वृत्स्यन्ति मार्गास्त्वयि बद्ध शवरदा, जिन्होंने तुमसे मैत्री प्रेम किया है वो कभी मार्ग भ्रष्ट नहीं होते। और बड़े बड़े विघ्नों के, बड़े बड़े विघ्नों के सिर पर पांव धरकर वो निकल जाते। तो या विगुप्ताः, जो तुम्हारे द्वारा रक्षित हैं, विचरन्ति निर्भया, वो निर्भय ही विचरण करते हैं। विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो, बड़े बड़े विघ्नों के सिर पर पांव धक्कर धरकर निकल जाते हैं। अहो भगवान, आप ही तो भक्तों के सर्वस्व हैं। मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वाराहंस राजन ने विप्र विबुधेषु कृतावतार, त्वं पाशिनः त्रिभुवनं च यथा धुनेश भारं भुवो हर यदुत्तम वंदनम। मत्स्य अश्व कच्छप नृसिंह वाराहंस राम परशुराम अनेक अवतार लेकर आप भूमि भार उतारते रहे हैं। अब यदुवंश में अवतार लेकर भूमि भार उतारो। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः प्राप्तमान अंशेन साक्षात् भगवान भवायनः, मा भूत भयं भोजपते ममूर्षुः गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। माता देवकी, तुम्हें भी भय करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी कुक्षा में नारायण का अवतार हुआ है और ये भार हरण करेंगे। वंदना कर देवता अश्वधाम गए। अब भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र आ गया। अत सर्व गुणों पेतः कालः परम शोभना हिर्रे वाजन जन वृक्ष शांतृक्ष गृह तारका। बड़ा सुंदर समय है, दिशाएं प्रसन्न है, आकाश निर्मल है, धरती प्रसन्न है, नदियों का जल निर्मल हो गया, शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी, यज्ञशाला की अग्नि प्रज्वलित हो गई, प्राची में चंद्रमा प्रकट हो गए। और इधर कारागृह में माता देव की और महाराज वसुदेव के समक्ष परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षमम गलशौभिकौस्तुभम पीताम्बरम शांद्रपयोदशौभगम। वर्षाकालीन मेघ जैसे श्याम वर्ण, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा धारण किए हुए परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण के रूप में अवतार हो गया। बोलो आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की। लेकिन ज्यादा हल्ला मत मचाओ, ज्यादा हल्ला मचाओगे तो वो जाग जाएगा जो सो रहा है, कौन? मामा कंस। इसलिए धीरे से वंदना की देवकी वसुदेव ने। आज भैया देव की वंदना करती है, वसुदेव वंदना करते हैं। वसुदेव जी बोले, विदितोषि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः केवल अनुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिद्रकः। हे भगवान, हमने आपको जान लिया, आप अनुभव गम्य है, आप अनुभव के आनंद हैं। भैया देवकी कहती है, रूपम यद्यत् प्राहुरभ्युत्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रावशिष्टम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपः। मैंने जान लिया आप साक्षात नारायण हैं, सत्ता मात्र निर्विशिष्ट हैं, आप साक्षात विष्णु हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान बोले, त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नि स्वयं भूयिषति तदायं शतपानाम प्रजापतिर कल्मषा। देखो देखो, पूर्व जन्म में तुम प्रश्नि नाम की देवी थी, पिता तुम शतपा नाम के प्रजापति थे। आप दोनों ने 12,000 दिव्य वर्ष हमारे लिए तप किया था, और जब मैंने दर्शन दिए, वरदान मांग लो, तो आपने कहा था मादर्शो वामृतश्रुतः, आप जैसा पुत्र हो तो मैं 3 बार तुम्हारा पुत्र बना हूं। पहले प्रश्न गर्भ, फिर बामन, और अब की बार कृष्ण। और ऐसा कहकर बभु प्राकृत शिशु भगवान छोटे बाल कृष्ण हो गए। कुल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेरणा कर दी है
वसुदेव जी के हृदय में। गोकुल पहुंचाओ पिता हमको, नंदर आए यशोदा के घर में, अवतरी वहां माया मेरी, ले आओ उसे कारागृह में। बंधन देखे अपने आप बंधन खुल गए, जहां भगवान है वहां बंधन नहीं रहते। और एक सूप में कन्हैया को लिटाया है और चल पड़े, ततः शौरीर पहरेदार सो गए, फाटक खुल गए, ततः शौरीर भगवत प्रचोदितः श्रुतम समादाय ससूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तु मिहेश तल्हिजा या योग माया जनिनंद जाया। महाराज इधर योग माया नंद पुत्री के रूप में वहां प्रकट हो गई है गोकुल में। महाराज पार हो गए, कहां फाटक कारागृह के बाहर निकल गए, कहीं कोई जग न जाए। तो बबर शपरजन्य उपांशु गर्जितो शेषुन वगादवारी निवारेन फणि। शेषनांग आज फणों का छाता लगा रहे, बरसात शुरू हो गई, पानी बरसने लगा, जल बरस रहा, बादल गरज रहे हैं, छाता लगा दिया शेषनांग जी ने हजार फणों का। यमुना जी के तट पर आए, अहो यमुना जी यहाँ लहरा रही, यही यमुना जी वहां भी है, है? तो यमुना जी के तट पर आए। आप बड़े भाग्यशाली हो जो यमुना के तट पर हो, लेकिन भागवत बहुत सुना करो, क्योंकि यमुना तट वाले भागवत बहुत सुनते हैं, तो पई गांव के लोग बहुत अधिक संख्या में सुना करें। मघो निवर्षद असकृत यमानुजा गंभीर तो योग जमूर विफेनिला भयानक आवर्त शताकुला नदी मार्गम ददौशिंद्रिव श्रियापते। महाराज यमुना जी में तो बाढ़ आ गई, हैराती भैराती लहराती घहराती ढलाती बलखाती, हार 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 यमुना की तरंगे। क्यों? यमुना सोच रही हैं मेरे पति आ रहे हैं, भगवान यमुना के पति हैं, है मेरे पति हैं, तो पति को देखकर प्रसन्नता की बाढ़ है। दूसरा भाव है ये गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं और इनका बड़ा महत्व है, मैं भी भगवान का चरण छू लूं तो गंगा की बात हमारा भी महत्व हो जाए। तो आज यमुना उमड़ पड़ी है, तरणी तनुजा अति ही तरंगित भय अब तो मणि आई वसुदेव के घरेलों। देख के सौरी अति ही सशंकित हुए असोचते विचारत हैं आज ये जौलो। अब तो जल आ गया मुख तक, देखा पिता घबरा रहे हैं, तो भगवान ने यमुना से कहा, यमुना तुम्हारी कौन हो? कहा आपकी पत्नी। का तो हमारे पिता तुम्हारे कौन है? बोले ससुर जी। बोले कैसी बहू हो, कैसी मुड़ चढ़ू बहू हो, है ससुर के सिर के ऊपर से पानी निकालने चली हो, है पीछे से आ? ऐसो कहे निज पग लटकायो जदुराई ने, पावन स्पर्श पायो यमुना ने तौलो। अब तरल तरंगिनी अति ही कृषगात भई अतत क्षण सिमट गई तरवा के तरेलो। बोलो यमुना मैया की जय। पार हो गए महाराज, नंद ब्रजम शौर्य रूपेत तत्र तान गोपान प्रसुप्तान अनुलभ्य निद्र जा श्रुतम यशोदा शयने निधाय तत् श्रुताम उपादाय पुनर्गृहान आगत। आज गोकुल में छमाई छमासी नींद है, योग निद्रा का प्रभाव सब सो रहे हैं, सबके फाटक बंद हैं, लेकिन नंद भवन खुला है, प्रवेश हो गए। मैया यशोदा सो रही है रत्न पलंग पर, उनके पास छोटी सी कन्या लेटी है योग माया। श्रुतम यशोदा शयने निधाय, भगवान कृष्ण को मैया यशोदा के पास लिटा दिया। तत् श्रुताम उपादाय, कन्या उठा ली और कारागृह में आ गए। अब माया है, बंधन पड़ गए, फाटक बंद, पहरेदार जाग गए। बालक ध्वनि सुन करके पहरेदारों ने कंस को कहा, महाराज उत्पन्न हो गया आठवां लाल, वो सैया से धड़ाम से गिरा हमारा काल, लेकर तलवार आया सूतिका गृह की ओर और कहा, लाओ कहाँ है कन्या? देवकी बोले, भैया ये तो भांजी है तुम्हारी, इसकी भिक्षा दे दो। दुष्ट कंस ने धक्का मारकर देवकी को कन्या छीन ली और घुमाया, पटकना चाहा, किंतु न गिरकर शिला पर पहुंची वह आकाश,
तब राक्षस की आंख ने देखा भव्य प्रकाश, खड़ी हुई है गगन में अष्टभुजी एक मूर्ति, वही मूर्ति कर रही है इस लीला की पूर्ति। अष्टभुजा वैष्णवी प्रकट हो गई, बोलो वैष्णवी देवी की। देवी बोली व्यर्थ नराधम तू हुआ मेरे ऊपर लाल, और ब्रजमंडल में हो गया है पैदा तेरा पाल। ऐसा कहकर देवी चली गई और विंध्याचल निवासिनी, यही विंध्याचल निवासिनी बनी है देवी। भक्तो अब तो महाराज कंस ने देवकी वसुदेव के बंधन खोले, जूठी चमाया चना की, और इसके बाद में अर्धरात्रि में उसने मंत्रियों को बुलाया, कहा ब्रज क्षेत्र के 84 कोष में नवजात जितने शिशु 1 महीने में उत्पन्न हुए हैं सबका विनाश करवा दिया जाए, ब्राह्मण और गऊओं का वध कराया जाए। कंस के आदेश से पूतना सकटासुर तृणावृत केशी व्योमासुर अनिष्टासुर अघासुर बकासुर आदि दैत्य विविध वेश बना करके ब्रज में बालकों का वध करने लगे, और इधर गोकुल में प्रभात हुआ। नंदलाला ने किलकारी भरी, बोलो नंदलाल भगवान की जय हो। मैया यशोदा ने उठाया हृदय से लगाया, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हा दो महामना, आहुई विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुजलंकृतः। नंद बाबा ने लाला का मुख देखा, बड़े आनंदित हुए। नंदस्त्वात्पद उत्पन्ने जाता आह्लादो, नंद बाबा को बड़ा आह्लाद उत्पन्न हुआ, और जाता आह्लादो आह्लाद माने आनंद, आनंद ही प्रकट हुए हैं, आनंदो ही ब्रह्मव्य जानात, आनंद ब्रह्म का वाचक है, तो साक्षात आनंद ही प्रकट हुए हैं, परमानंद चिन्मूर्ति ही मधुर मुरली धरा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण आए, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहुई विप्राण वेद ज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, स्नातः सुचिर अलंकृतः, ब्राह्मण भी स्नान और समलंकृत होकर आ गए, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ किया है, और कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चन तथा पितृदेवार्चन कराया। अब महाराज धीरेन्द्र सिंह भदौरिया उषा भदौरिया आकर भगवान का पूजन करें। ओम स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति ना पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टेनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जल से स्नान कराओ। ॐ प्रसद स्वाहा मरुदा पृष्मातरा शुभम यावान विदधे सुजग्मया। ओम सह शीर्खा भूर्खा सहस्राक्षा सहस्रपात प्रभो मि गुं सर्वतिलकुलम पुरुषे वेदग्वं सर्वयद्भूतं यद्वाच्यं उतामृतत्वं शेषानो यदन्ये नातिरोहति। एतावानस्य महिमा तु ज्यायामाश्य पूर्वा पादोषे विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि। अब लीजिए माखन मिश्री, पंचामृत का भोग लगाइए। ओम हरि ओम त्रिधारो देवदैत्वरुखा पादोषेहा भवत्पुनः। ओम ततो विष्णुक्रमा शासनाशनेऽभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुखा सजातो अतिरिचते पशात् भूमिर्मथो पुरा तस्माद्यज्ञात सर्वहूता संवृतम् प्रसदाज्यम् पशु साजक्रीवायव्या नारायणा ग्रामयाशयी।
ओम तस्माद् अज्ञात माखन मिश्री पंचामृत का भोग लगाइए। सामानि जगिरे छंदाम वंशे जगिरे तस्माद् जुस्तस्माद् जायत। हरि ओम मत्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पया ग्रहाण सम्मुखं भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। सामने रख दो उनके पूरा मुख पिछवा सामने रख दो, जल से आत्मन कराओ। ओम नाभ्यासीषण आचमन करा दो। दक्षिणाम समर्पयाम हिरण गर्भा संवर्तताग्रे भूत जाता पत्री की आशीष सादा धारणाम करो। दंडवत करो, बोलो नंदलाल भगवान की जय हो, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। और आचार्य पूजन करो। हरि ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण दाचे जगत दाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण दाचे जगत दाय कृष्णाय गोविंदाय नमो व्यासाय व्यासदेवाय विष्णु रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वशिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्म ओम गुरुर्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय दाचे जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम हरिः ओम। और इसके बाद में देखिए चंद्रभान मिश्रा इटावा से आए हमारे शिष्य हैं। दो वर्ष पहले इन्होंने श्रीमद् भागवत कराई थी, उसका भी प्रसारण भारती चैनल पर हुआ था। तो चंद्रभान मिश्रा पूजन करेंगे और साथ में उनकी धर्मपत्नी हमारी शिष्या सीता मिश्रा, इन्हें बहुत श्लोक भागवत के याद हैं। श्रीमती जो सीता मिश्रा हैं इन्हें गोपी गीत याद है।